अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक नॉलेज। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बेसिकली होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन इज़ फ्रॉम ग्रुप 1 एंड कार्बन इज फ्रॉम ग्रुप 4। ठीक है, दोनों ग्रुप 1A और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इन पे डिपेंड करती है, किस पे? बेसिकली कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स। ठीक है, उनके जो मजीद कंपाउंड, जैसे जैसे वो बॉन्डिंग करते जाते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, तो उनको क्या कहते हैं, उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो बेसिकली डील करती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें दी थी बर्जीलियस ने। ठीक है, कब दी थी, 1815 में। और उन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिर्फ किस तरीके से बन सकते हैं या किस तरीके से हासिल हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, यानी कि उनके टिश्यूज़ की मदद से। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लैब में नहीं बन सकते, मतलब इंसान नहीं बना सकता, ये कुदरती तौर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमें ये बताती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड सिंथेटिकली इन द लेबॉरेटरी, वेयर एज द इट कैन बी ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। लेकिन इसको टक्कर दी थी एक बहुत बड़ी थ्योरी ने, जो कि थी फ्रेडरिक वोलर की। और वो क्या थ्योरी थी, इन्होंने ये एक्चुअली एक लैब में काम कर रहे थे और एक्सीडेंटली इनसे जो है वो यूरिया बन गया। अब यूरिया क्या है, यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जो के जो बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यूरिया कैसे बना, अमोनियम साइनेट की मदद से क्या बना, यूरिया। अब आप देखें कि ये जो है एक ऐसा कंपाउंड था जो कि बन गया लैब में। पहले वाइटल फोर्स थ्योरी तो बता रही थी कि ये लैब में नहीं बनेगा, लेकिन जब ये लैब में एक्सीडेंटली वोलर से बन गया, तो उसके बाद जो है वो थ्योरी चेंज हुई। और एक्चुअली क्या थ्योरी हुई, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसी पढ़ाई, ऐसी स्टडी है जो कि डील करती है किससे, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अभी हमने बात की कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होने चाहिए, लेकिन उनके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन भी हो सकता है, हमारे पास सल्फर भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो भी इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि ईथेन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, अमाइन या पॉलीस्टाइरीन। ये वाले, ये अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह छोड़ते हैं, आप सिर्फ ये नाम याद करें कि ईथेन क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये सब पहचान है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्यों इतनी ख़ास है, क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो है वो इतनी ज़्यादा डिपेंड करती है, बैकबोन है केमिस्ट्री की। ठीक है, हम देखेंगे सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हासिल कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स। अब मिनरल से कैसे हासिल होता है, देखिए जो कोल है वो किससे बना हुआ है, डेड प्लांट से। ठीक है, कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन। ठीक है, तो डेड प्लांट से बना है ना कोल, काफ़ी सालों के बाद जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसके क्या बना, डेड प्लांट जो होते हैं वो कोल बनाते हैं। ठीक है, तो अब उन कोल में क्या है, कार्बन है,
ठीक है। अब कार्बन बेसिकली किसको डिफाइन कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो ये जो सोर्स है इसको कहेंगे, ये किससे हासिल हो सकता है, नेचुरली प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से। दूसरा, अब इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या है हमारे पास, इसमें है कार्बन, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, अगेन इन दोनों के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल ही नहीं सकती, स्पेशली कार्बन के बगैर, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जैसे कि हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन, हमारे पास है सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी मदद से मिलके जो है कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जिनका अलग अलग नेचर होता है, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। आप देखें कार्बन एक है, ठीक है, और वो सबके साथ मिलके जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो सब चीज़ों की नेचर बदल जाती है। ओके, सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, बेसिकली ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्यों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक में ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है। ये एक नॉन पोलर चीज़ है, ठीक है। अब नॉन पोलर का क्या मतलब है, यानी कि इसका देखें, जब याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे ना पोलर की, तो पोलर मतलब पोलर रिलेटेड टू वाटर, सही है। जब हम बात करेंगे नॉन पोलर की, यानी कि इसकी पानी से नाराजगी है, पानी से नाराजगी इसकी, ये पानी से दोस्ती नहीं कर सकेगा, सही करेगा, तो उस सूरत में हमें पता है कि ऑर्गेनिक जो है वो क्या है हमारे पास, वो है सॉल्वेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में ही डिजोल्व होगा। ऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, कि बिकॉज इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, तो आयनिक बॉन्ड से कम मुकाबले में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसकी वजह से जो है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है, लो होता है, कम होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्टिविटी, चूँकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि उनके क्या होते हैं, उनको कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो ये लो रिएक्टिव होते हैं, या हम कहेंगे प्रॉपर वर्ड होगा लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, इनको कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती हैं, ये तभी जो है अपने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, वरना ये बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है इसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कम होती है, क्योंकि ये बेसिकली होते हैं नॉन कंडक्टर्स, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जो है इनके पास चार्जेस कम होते हैं, ये आराम से जब वो स्टेबल होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये जब जब चार्जेस ही नहीं होंगे इनके पास, तो ये क्या चीज़ लेके यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे। जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, किसका मतलब होता है, हमारे पास हमें चार्जेस चाहिए, जब कंपाउंड स्टेबल होगा तो चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो इसमें चार्जेस जो है वो कम होते हैं, इसलिए ये नॉन कंडक्टर्स हैं, यानी कि अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स वो होंगे जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे। कम्बशन, कम्बशन ऐसी प्रॉपर्टी है यानी कि जो जलने में मदद देती है, ठीक है। अब हमें ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजरली चीज़ है वो क्या है, कार्बन। अब ये बहुत ज़्यादा यानी कि हाईली कम्बस्टेबल है, क्यों, इसलिए कि इसमें क्या है हमारे पास,
कार्बन ज़्यादा है, तो जब कार्बन ज़्यादा है तो यानी कि हवा में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। जब कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, हवा में ऑक्सीजन है, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा के ना हाईली कम्बस्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी क्यों, ये जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। वाई इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, कहाँ, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे ये अपना दम तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, इनको कोई चार्म नहीं रहता साथ रहने का, तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो आई गेस हम 3.2 करेंगे। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड इफ देर आर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन सॉल्व इट। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। सो कीप वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।